हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एसआर जाजोरिया पर स्वागत है। हम देख रहे हैं डेली यूज होने वाले इंग्लिश के वर्ड या फ्रेज। फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड है, शब्दों के समूह है जिनका कोई मीनिंग होता है। देखिए, आज सुबह को आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? दिस मॉर्निंग। आज शाम, दिस इवनिंग। मैं आज शाम में आ रहा हूं, तो दिस इवनिंग आप यूज करोगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आज रात के लिए आप दिस नाइट यूज नहीं करते, टू नाइट यूज करते हैं। आज रात के लिए टू नाइट का यूज करना है। सुबह में, इन द मॉर्निंग। मैं सुबह में आया। शाम में, इन द इवनिंग। दोपहर में, इन द आफ्टरनून। तो सुबह में, शाम में, दोपहर में, इनके पहले आप इन द का यूज करोगे, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। इसी साल में, दिस ईयर, या इस साल में, या इस साल में, दिस ईयर। इसी महीने में, दिस मंथ। इसी सप्ताह में, दिस वीक। इसी सप्ताह में हमारा रिजल्ट आएगा, दिस वीक। इसी महीने में मैं जयपुर जाऊंगा, दिस मंथ। इसी साल में मैं बॉम्बे जाऊंगा, दिस ईयर। इसी सर्दी में, या इसी जाड़े में, दिस विंटर। इसी सर्दी में मैं स्वेटर खरीदूंगा, दिस विंटर। इसी गर्मी में, दिस समर। इसी गर्मी में हम घूमने जाएंगे, दिस समर। इसी बसंत में, दिस स्प्रिंग। अगले रविवार को अगले के लिए क्या यूज करोगे? नेक्स्ट, नेक्स्ट संडे। मैं अगले रविवार को मूवी देखने जाऊंगा, तो नेक्स्ट संडे। अगले सोमवार को, नेक्स्ट मंडे। अगले बुधवार को, नेक्स्ट वेनसडे। इस प्रकार से आप सप्ताह के दिनों को ऐड करके उससे पहले नेक्स्ट लगा सकते हैं, जब आप अगले किसी डे को कुछ काम करोगे। अब सप्ताह में, जैसे अगले सप्ताह में, नेक्स्ट वीक। अगले साल में, नेक्स्ट ईयर। अगले महीने में, नेक्स्ट मंथ। अगले जाड़े में, ऋतु की बात हो, अगले सर्दी में, नेक्स्ट विंटर। अगले गर्मी में, नेक्स्ट समर। कल सुबह में, कल का मतलब यहाँ आने वाले कल से है, तो आने वाले कल के लिए हम क्या यूज करते हैं? टुमारो। तो टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह में मैं परीक्षा देने जाऊंगा, टुमारो मॉर्निंग। कल दोपहर में, टुमारो आफ्टरनून, टुमारो आफ्टरनून। तो कल का मतलब है यहाँ आने वाले से, या कल शाम में, तो टुमारो इवनिंग आप यूज करोगे। अब यहां भी कल है, लेकिन कल का मतलब बीता हुआ, और बीता हुआ को हम क्या बोलते हैं? यस्टरडे। तो कल सुबह में, यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह में मैं यहां आया था, यस्टरडे मॉर्निंग। कल दोपहर में, यस्टरडे आफ्टरनून। कल शाम में, यस्टरडे इवनिंग। कल शाम में हमने क्रिकेट मैच देखा, तो यस्टरडे इवनिंग। परसों, बीता हुआ कल, कल और उससे पहले का जो दिन है, बीत गया, द डे बिफोर यस्टरडे। परसों, जो यानी कल से पहले वाला जो बीत गया, आप क्या कहोगे? द डे बिफोर यस्टरडे। परसों, आने वाला, पहले कल आएगा उसको हम टुमारो कहेंगे, फिर उससे आगे, तो द डे आफ्टर टुमारो। परसों आने वाले कल को आप क्या बोलोगे? द डे आफ्टर टुमारो। नेक्स्ट है गत या पिछले के लिए आप क्या लगाओगे? लास्ट। जैसे पिछले सप्ताह, लास्ट वीक। पिछले महीने, लास्ट मंथ। पिछले साल, लास्ट ईयर। पिछले रविवार, लास्ट संडे, या गत रविवार, यानी कि लास्ट संडे। तो गत या पिछले के लिए आप क्या यूज करोगे? लास्ट। पिछले महीने हम घूमने गए थे, तो लास्ट मंथ। क्लियर। नेक्स्ट है अगो। अगो हम यूज करते हैं हिंदी के वर्ड पहले के लिए, जैसे दिन प्लस पहले। जैसे एक दिन पहले, दो दिन पहले, पांच दिन पहले। अगर एक दिन की बात है तो वन डे अगो बोलोगे, एक से ज्यादा है तो आप डेज बोलोगे, जैसे फाइव डेज अगो, पांच दिन पहले, टेन डेज अगो, दस दिन पहले। वैसे ही महीने प्लस पहले, एक महीने पहले की बात है
वन मंथ अगो या ए मंथ अगो, लेकिन अगर एक से ज्यादा महीना है तो मंथ्स बोलोगे आप, एस लगाओगे, फाइव मंथ्स अगो, टेन मंथ्स अगो, ऐसे ही वीक अगो, कितने सप्ताह पहले की बात है। तो हम एक महीने पहले वहां घूमने गए थे। नेक्स्ट है को, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है ऑन, इसका मतलब होता है उसी दिन, जैसे रविवार को, ऑन संडे, मैं रविवार को तुमसे मिलने आऊंगा, मैं रविवार को तुम्हारे पास किताब लेने आऊंगा, तो ऑन संडे, ऑन मंडे यानी मंडे को, सोमवार को। अब ये देखिए तक, यानी इसका मतलब होता है बाय, रविवार तक, बाय संडे, मैं रविवार तक तुम्हारे पास आऊंगा, तो उससे पहले भी आ सकता है रविवार तक, तो बाय मतलब तक और ऑन यानी को यानी उसी दिन, सोमवार तक, बाय मंडे, ऐसे मतलब कोई भी डेज हो सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।